और रमज़ान में जो हमारी पीर की नशिस्त होती है ये नहीं होती है, तरावी के बाद यहाँ रोज़ाना दर्स होता है आधा पौना घंटे का, और फिर आखिरी अशरे में अल्हम्दुलिल्लाह रात को तकरीबन जो है वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आमाल होते हैं, दुआ होती है, जिक्र बयान, ये पूरी ताखरातों में भी चलता है, गैर ताखरातों में आखिरी पूरा अशरा आमाल चलते हैं। अगर कोई साथी यहाँ अपना वक्त देना चाहते हैं तो असर से लेके इशराक तक का वक्त दे सकते हैं, हम यही होते हैं असर से इशराक तक, अपने मामूलात करें, अपनी तिलावत करें, अपना जिक्र करें। एक महीना है ऐसे ही गुजर जाएगा मेरे भाइयों, अल्लाह के नाम पर इसको दें, अल्लाह ताला इसका अजर देंगे। चंद दिनों की मेरे भाइयों जिंदगी है। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह चले गए, हजरत इमाम शाफी, इमाम आजम, इमाम अबू हनीफा चले गए, लेकिन जो उन्होंने कमाया है मेरे भाइयों हमेशा के लिए, आज अगर किसी कब्र वाले से जाके आप पूछें तो वो कहेगा कि हाय अफसोस, काश कि वे एक सुभान अल्लाह कह सकें, एक सुभान अल्लाह को भी दरसेगा इंसान। तो आज तो कमाई का वक्त है मेरे भाइयों, और इसलिए घर में नहीं गुजारे, ये वक्त घर में नहीं गुजारे, किसी माहौल में जाके गुजारे, माहौल में गुजारेंगे तो वह कीमती बनेगा, तो घर में गुजारेंगे तो वही ज़ाया हो जाएगा। रमज़ान घर में गुजारने का नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।